सब्सक्राइबर, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप जान लो मोशन क्या होता है। वो लूज मोशन वाला मोशन नहीं है, ठीक है। ये मोशन है ना, कोई भी चीज़ अपनी प्लेस चेंज करती है, यानी वो ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ मूव होती है ना, इधर से उधर जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। अगर वो अपनी जगह से हिल रही है इधर उधर, तो भी आप कहोगे वो मोशन में है। और हर चीज़ का मोशन अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। मोशन के अलग अलग टाइप है, कितने टाइप है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। सबसे पहले ये जो बच्चा है, ये अपने पैर को उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक पैर मोशन में है ना, ऐसा ऊपर की तरफ। ये टॉप घूम रहा है, तो ये भी मोशन में है ना, अपनी जगह पे रुका तो नहीं। जो भी चीज़ रुकी हुई नहीं है ना, फुटबॉल उड़ रहा है, ये भी मोशन में है। इसने ऊपर बॉल जंप कराया, मोशन में है। एरोप्लेन उड़ रहा है, वो भी अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। ये चचा जो है वो घुमा रहे हैं, इसको बोलते चक्की, ये भी मोशन में है, ठीक है। तो अब आपको मालूम पड़ गया, कोई भी चीज़ जो रुकी हुई नहीं रहती है उसको बोलते हैं कि मोशन, वो चीज़ मोशन में है, है ना। हिलती दुलती चलती फिरती चीज़ को मोशन बोलते हैं, ठीक है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट। हम अपने दिन में बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं। मूविंग मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं या हिलते, जैसे पेड़ वगैरह है, ऐसे हवा चलती है तो हिलते रहते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी हैं उन्हीं को कहा गया है कि मोशन, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं उनको कहा गया मोशन। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट इन अबव पिक्चर आर इन मोशन, व्हाट डिफरेंस आर सीन इन देयर मोशन। अब आपको बोला कि ऊपर जो जो ऑब्जेक्ट है कौन कौन से मोशन में, तो इनके मोशन में, तो ये जो फुटबॉल खेल रहा है वो जो मोशन है वो रैंडम है, उसको पता नहीं फुटबॉल कहाँ जाएगा। ये टॉप जो है ना वो सर्कुलर मोशन में है, वो गोल गोल घूम रहा है ना। ये बंदा जो बॉल फेंक रहा है वो क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, उसको पता है वापस फिर उसी हाइट पे आ जाएगा। तो ये क्या है, क्या है बताओ, ये ऑसिलेशन मोशन है, ठीक है। उसी वापस जाके वापस नीचे आ गया। फिर ये जो है, ये अंकल जो घुमा रहे, ये सर्कुलर मोशन है। और जो एरोप्लेन उड़ रहा है ना वो लीनियर मोशन है, मतलब एक सीधा डायरेक्शन में चलते चला जाएगा ना, उसको बोलते अलग अलग। और ये सारे मोशंस जो मैंने बोला है नाम, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि क्या होता है डिटेल में। वाइल वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप अदर व्हीकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर इन अ मोशन योर सेल्फ द स्टिल ऑब्जेक्ट अपीयर इन टू बी मूविंग। फॉर एग्जाम्पल द ट्री आर सीन इन द बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन। तो इसने क्या बोला कि आप जाके बस स्टॉप पे खड़े हो जाओ, तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपको देखेंगे, यानी जो भी बस बाइक सब आपको देखेंगे मोशन में, सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, तो मोशन में। और कभी कभी आप जब मोशन में होगे ना, तो आपको जो दूसरी चीज़ जो रुकी चीज़ भी ना, वो भी मोशन में दिखाई देगी। आप बोलोगे कैसे, कभी आपने ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, तो आपको लगता होगा ना जो ट्रेन के आगे जो स्टेशन पे जो पोल्स होते हैं ना, खंबे और ट्रीज़, ये लोग भी ऐसा लगता है हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं या हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, यानी इनको हमको देख के ऐसा लगता है ये भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ना, जब हम चलते हैं ना, हम मोशन में होते हैं, तो हमको दिखने वाली रुकी हुई हुई चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि वो भी मोशन में है, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय द ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई भी चीज़ हम लोग को अपनी मूविंग जगह से चेंज होते हुए दिखाई देगी ना, तो हम उसको बोलेंगे ये चीज़ मोशन में है। चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ द कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी वो प्लेस चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और आप उठ के यहाँ से यहाँ आ गए, है ना, अब आप यहाँ पे यहाँ आ गए, तो आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट किया आपने, इतनी दूरी का डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका। पहले आप यहाँ से, अब आप यहाँ आ गए हो, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट मोशन इज कंटिन्यूसली अंडर गोज डिस्प्लेसमेंट। और हर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है, अपनी जगह चेंज करता रहता है। जैसे आप भी मोशन करके तो वहाँ से वहाँ पहुँचे थे, तो उसको बोलते हैं मोशन। द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। जो भी चीज़ कंटिन्यू डिस्प्लेस करेगी, अपनी जगह चेंज करेगी, सपोज मोशन में आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, तो आप हर टाइम मोशन में, जैसे ही आप रुक जाओगे ना, उस टाइम आप स्टे, मतलब स्टे पोजिशन में हो जाओगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन सबसे ईजी होता है, क्योंकि लीनियर मोशन ना सीधा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, जो भी चीज़ ऐसा स्ट्रेट जाती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन में, ठीक है। ऐसा ज़रूरी है वो थोड़ा टर्न भी हो जाए उसको, लेकिन फिर भी ऐसा गोल गोल ऐसा ऐसा नहीं घूमेगी ना, सिर्फ ऐसा जाके ऐसा हल्का हल्का टर्न होके जब वो करेगी, लाइक रोड ट्रैक, ये सब लीनियर मोशन होता है। तो आगे पढ़ते हैं। ए ट्रेन इज अ मूविंग
ऑन अ रोड मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ट्रेन चलती है ना सीधा चलती है, तो ये एक लीनियर मोशन है। दिस मोशन इज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन शो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला सर ये स्ट्रेट लाइन में चलेंगी, अपनी जो भी जगह चेंज करेंगी ये जो डिस्प्लेसमेंट करेंगी वो स्ट्रेट लाइन में करेंगी। इफ़ यू स्टैंड एन अ चेयर एंड रिलीज द बॉल योर हैंड इट फॉल द फ्लोर, व्हाट वुड यू कंक्लूड। अगर आप एक चेयर पे बैठ जाओ, एक बॉल लो, ऊपर से ऐसा गिराओ तो देखो क्या होगा, वो बॉल जाएगी नीचे ज़मीन से टकराएगी, फिर वापस उतनी ऊपर आने की कोशिश करेगी लेकिन उतनी ऊपर नहीं आ पाएगी। कंपेयर द मोशन ऑफ द सोल्जर एंड परेड ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन। ठीक है, क्या करना है, कंपेयर करना है हमको मोशन। द मोशन ऑफ सोल्जर इन अ परेड इज द सेम, जो उनका मोशन होता है ना बिल्कुल सेम होता है, एक सेकंड का भी सबके बीच में डिफरेंस नहीं होता, सब एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ रखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन, और इन पीरियड में हमें एक स्लाइट डिफरेंस, एक हल्का सा भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, एकदम सेम टाइम पे ये लोग सब लोग एक साथ अपना पैर मूव करते हैं। However, the motion of the girl coming down the slide does not appear be uniform. The girl come down faster and faster. The speed of the motion goes on increasing continuously. ये लोग तो एकदम सेम स्पीड से चलते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दूरी तक अपनी स्पीड बढ़ाते, बट ये जो गर्ल है ना, गर्ल जो ये स्लाइड पे जा रही है ना, इसका मोशन ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होगा। जब ये ऊपर से गिरेगी ना तो ये थोड़ा स्लो स्लो नीचे जाएगी, बट जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगी ना तो और बेंट हो जाएगा ना, तो और फास्ट तरीके से ये नीचे चली जाएगी, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ। अब यूनिफॉर्म क्या होता है ना कि 10 की स्पीड से आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो पूरा एक किलोमीटर या जो भी आपका एक पर्टिकुलर आप एग्जांपल में ले लो, एक किलोमीटर या आधा किलोमीटर, वो आप उतनी ही स्पीड से चलोगे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। रास्ते में ना आपने बोला नहीं यार आप तो जल्दी पहुँचना है, तो आप क्या बोले, चलो एक किलोमीटर का रास्ता है, आधा किलोमीटर में 10 की स्पीड से चलता हूँ और जब आधा किलोमीटर बचेगा तो 20 की स्पीड कर लूँगा, तो वो मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह इस गर्ल्स के साथ हो रहा है, जब ये ऊपर से आ रही तो हल्का हल्का आ रही थी, बस जब यहाँ पर आएगी ना तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा बेंट होने लगता है ना जब आप साइड पर आते हो। जब ऊपर से शुरू करते हो तो स्लो स्लो, लेकिन जब नीचे आते हो ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इस बोला ना द स्पीड ऑफ मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है। तो समझ गया ना आपको यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि आपकी स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी आपको डिस्टेंस दिया गया ना वो हमेशा पूरा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने तक जब तक स्पीड सेम है तो आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा। द मोशन ऑफ मार्चिंग सोल्जर इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लेकिन ये सोल्जर लोग हैं ना अगर इन्हें एक किलोमीटर जाना है ना और ये अपने घर से निकल के वहाँ तक जाना है तो वो बिल्कुल इसी स्पीड से जाएंगे, रास्ते में कहीं अपना स्पीड चेंज नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको समझ गया ना आप कि जब भी हम अपना स्पीड चेंज नहीं करेंगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जहाँ भी हमारा स्पीड थोड़ा सा भी चेंज हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। बिकॉज ऑफ दिस मोशन नो चेंज इज सीन, और इस वजह से हमें इस मोशन में कोई चेंज नहीं दिखाई देता है ना, कैसे नहीं, एक मिनट के एकदम कंटिन्यूस दिखते हैं ये। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म, मैंने बोला था ना जो गर्ल का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि इसकी स्पीड तो चेंज हो गई टाइम टू टाइम। दीज आर टू मेन टाइप ऑफ लीनियर मोशन, और ये लीनियर मोशन के दो टाइप है। ठीक है, सबसे पहले आपको लीनियर मोशन समझ गया होगा कि लीनियर मोशन हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, कभी भी आपको टीचर पूछेगा व्हाट इज द लीनियर मोशन, तो सीधा बोलना है जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है ना सीधे डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं। और उसके दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हम अपनी स्पीड बराबर रखते हैं, चेंज नहीं करते, बट यूनिफॉर्म में हमारी स्पीड धीरे धीरे चेंज होने लगती है, बस आप तो क्लास के हीरो बन जाओगे। व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन द यूनिट ऑफ टाइम कंटिन्यूसली द सेम मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मैंने बोला ना कंटिन्यूसली द सेम मोशन, ठीक है, उसको बोलते हैं। बट नॉन यूनिफॉर्म में व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी आप कहा जाए ट्रेन हो, लड़का हो, लड़की हो, उसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे, इन अ यूनिट टाइम कीप द चेंजिंग द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, कि थोड़े टाइम के बाद अगर उसका मोशन चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब आएगा नॉन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन तो स्ट्रेट लाइन में हो गया, नॉन लीनियर मोशन क्या होगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, तो बस जो स्ट्रेट डज नॉट स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा वो नॉन लीनियर हो गया। ईजी है ना, लीनियर याद कर लिया स्ट्रेट लाइन के लिए, और नॉन लीनियर जो है वो नॉट डज नॉट जो स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं होगा। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज इन स्विंग पार्क शो, अब आपको स्विंग पार्क शो में किस टाइप का मोशन दिखता है, जो आप ऐसे झूले झूलते ना यहाँ से वहाँ,
This swing come back from at end of it take about the same time to each swing in oscillation. This is called a swing is called oscillatory motion. अब oscillatory motion क्या होता है पता है कि आपने जहाँ से शुरू किया ना वहीं पर कुछ टाइम के बाद वापस आ जाना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप एक मिनट के बाद आ रहे हो या डेढ़ मिनट के बाद, उसमें टाइम फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑसिलेटरी मोशन में टाइम फिक्स नहीं रहेगा, ओके। आपने जहाँ से शुरू किया, सपोज यहाँ से आप झूला झूल रहे हो, यहाँ इस पॉइंट से शुरू किया, वापस यहाँ पहुँचे, ठीक है, फिर उसके बाद वापस अब यहाँ से वापस पीछे की तरफ यहाँ आ गए, तो आप कुछ देर के बाद वहीं पहुँच गए ना, थोड़ा सा कम आओगे, बस वहीं पहुँचोगे ना, तो इसको बोलते ऑसिलेटरी मोशन। क्या ऑसिलेटरी मोशन की पूरी वो क्या होगी डेफिनेशन, कि इट टेक्स अबाउट द सम सेम टाइम ऑफ ईच स्विंग और ऑसिलेशन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्विंग ऑसिलेशन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसी जगह पर वापस आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, विंग्स ऑफ बर्ड, नीडल ऑफ स्विंग मशीन, वाइब्रेटिंग डायफोग्राम, तबला, ड्रम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब ये सब में क्या होता है, जैसे जो घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है, हर एक टाइम के बाद वापस अपनी जगह पे ऐसे टर्न टर्न घूमता रहता है, और ऐसे मशीन जो सुई की मशीन हो ऊपर से शुरू करती है फिर नीचे आ जाती है फिर ऊपर आ जाती है, और वाइब्रेटिंग मशीन भी ऐसे यहाँ से वाइब्रेट होकर यहाँ से आती है फिर वापस अपनी जगह पे पहुँच जाती है, तो ये सारे हो गए ऑसिलेटरी मोशन। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, बट एक फिक्स टाइम नहीं होगा, वो पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है। The hand of clock move in a circular manner. Similarly, fan against giant wheel and the merry-go-round complete the each of the circular route in our day-to-day life. We have so many example of an object that are circular motion. अब हम circular motion देख ले, जैसे कि ये झूला है पूरा गोल गोल घूमता है ना, सर जो भी चीज़ सर्कल बना के घूमेगी, चाहे वो फैन हो, चाहे वो झूला हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। जो भी चीज़ सर्कल बना के क्रिएट करेगी, लाइक अब ये झूला है वो पूरा सर्कल क्रिएट करता है ना, पूरा सर्कल, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। ये फैन हो गया पूरा सर्कल क्रिएट करता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। ये पूरा सर्कल क्रिएट करता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। ये देखो ये पूरा हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया। जो भी चीज़ सर्कल बनाएगी वो सर्कुलर मोशन होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है, मैंने बताया जैसा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द सर्टेन पॉइंट एंड आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। अब हम आगे एक पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में ना टाइम का बहुत झोल है उसमें टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कैसे। वी सी फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन दैट सेम ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन अराउंड वन ऑसिलेशन इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल वन मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट द अराउंड द वन एग्जैक्टली द 60 मिनट ऑफ द, हाँ। अब इसने बोला है कि ऑसिलेशन मोशन हमने पढ़ा, उसमें क्या है एक पर्टिकुलर टाइम के पास, जरूर नहीं कभी वो थोड़ा सा एक सेकंड दो सेकंड जल्दी भी पहुंच सकता है, कभी दो सेकंड लेट भी पहुंच सकता है, लेकिन वो पहुंचेगा अपने टाइम पे। बट जो हैंड क्लॉक है, मतलब आपकी ये क्लॉक है, यहाँ पर जो क्लॉक है इसमें जो आपकी बीच वाली सुई है ना सेकेंड की क्लॉक, वो 12 से शुरू हुई है, ठीक है, और वापस वो आफ्टर पूरे 60 सेकंड के बाद ही वापस पूरा 60 सेकंड के बाद ही कहाँ पहुँचेगी 12 पे। ऐसा नहीं कि किसी बार एक सेकंड पहले पहुँच जा रही, किसी बार एक सेकंड बाद पहुँच जा रही। तो जो चीज़ एकदम फिक्स टाइम के बाद अपनी जगह पे वापस पहुँचेगी ना, उस चीज़ को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या, जो चीज़ एक फिक्स टाइम के बाद पहुँचेगी उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। लाइक द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू द सर्टेन पॉइंट अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। या इसको बिल्कुल ध्यान रखना, एक सर्टेन पॉइंट से वापस पहुँचेगी कहाँ पे, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, एक भी सेकंड इसको आगे पीछे नहीं चलेगा। विच टाइप ऑफ मोशन आर सीन व्हेन द गर्ल राइड अ बाईसाइकिल एज शोन इज हियर, ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो ये गर्ल जो है ना, ये क्या कर रही है, बताओ बताओ क्या कर रही है, ये मोशन में है। कैसे मोशन में, अगर ये सिर्फ इधर इधर घुमाएगी साइकिल ये वाले उस पर, तो वो सर्कुलर मोशन, बट ये अगर इस तरीके से पूरा इस पर घुमाएगी तो वो पीरियोडिक फॉर्म में है ना। बट अगर टाइम उसका फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है, तो वो कैसे, वो पीरियोडिक फॉर्म मोशन में नहीं होगी। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग गार्डन, वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन यू हैव टू रन अलॉन्ग द डेफिनेट पाथ ऑफ द सम डायरेक्शन ऑल द टाइम, नॉट रियली अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लिट्स वन फ्लावर एंड अदर फ्लावर। अब क्या होता है, अगर आप एक बटरफ्लाई को पकड़ना है आपको और वो उड़ रही है और आप इधर उधर पकड़ने के लिए उसको भाग रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम सर्कल बना बना के भाग रही है, वो कहीं भी भागेगी अगर आपको पकड़ना है, तो आप कौन सा मोशन कर रहे हो,
रैंडम मोशन, रैंडम मतलब होता है जो जगह फिक्स ना हो, जैसे सर्कल है तो वो फिक्स है ना, बट जो भी मोशन इधर उधर किधर भी भाग रहे हो ना आप, तो वो रैंडम मोशन हो जाएगा, ठीक है। द मोशन दैट चेंज इन द डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जो अपने डायरेक्शन और स्पीड हर टाइम चेंज करेगा, कभी मान लो बटरफ्लाई स्लो हो गए तो आप भी स्लो हो जाओगे, बटरफ्लाई और फास्ट हो गई तो आप भी फास्ट हो जाओगे, तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें स्पीड, टाइम, डायरेक्शन सब चेंज हो, वो होता है रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ प्लेयर इन द गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो दिस टाइप। दिस मोशन ऑफ द क्रॉलिंग अ बेबी वंडरिंग एनिमल इज ऑल्सो रैंडम मोशन। जैसे फुटबॉल खेलने के लिए सब इधर उधर दौड़ते हैं तो वो भी फिक्स नहीं होता है, कभी कोई फास्ट दौड़ रहा, कभी कोई इधर उधर दौड़ रहा, तो ये एक रैंडम मोशन होता है ना, कहीं बेबी भाग रहा है इधर उधर उसको पकड़ने के लिए। अब हम आगे आएंगे, पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है, ठीक है। ए बस कवर द डिस्टेंस अबाउट द 200 किलोमीटर फ्रॉम द सोलापुर टू पुणे इन अ 5 आवर। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। अब इसने क्या बोल रहा है ना कि एक बस निकली है सोलापुर से पुणे के लिए, 5 घंटे में वो पहुंचती है, ठीक है। तो उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा एकदम हलवे जैसा एक फॉर्मूला है जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार खाली ऐसे पढ़ लोगे ना तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और ये पूरे लाइफ काम आएगा। वेल सॉल्विंग द एग्जांपल वी टेक अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रांसफर टू द रिक्वायर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। फॉर द रेशियो वी कम नो द डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे हम, एक हमको एक घंटे का पता करना है ना और बस 5 घंटे में आई है, तो सीधा सीधा एकदम सिंपल सा इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड। क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, यानी एस से लिखते हैं इक्वल्स टू, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करके आइए, बोलो बोलो, यहाँ पर लिखा है ए बस कवर अबाउट 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 200 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस है इसका, ये किलोमीटर, ठीक है। अब उसको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 5 आर। तो आपका यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस जो लगा है वो और कितना टाइम लगा है वो। अगर आपको कभी भी स्पीड निकालना है ना, सपोज अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डी अपॉन टोटल टाइम टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आपको टोटल डिस्टेंस, जैसे कि आपने अपनी मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ 2 किलोमीटर वॉक करने, 10 मिनट में आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको आपकी स्पीड क्या रही होगी वो मम्मी को कैसे मालूम पड़ेगी, मम्मी आएगी बोले अच्छा इस स्पीड से जाके आए हो, तो मम्मी को कैसे मालूम पड़ा, मम्मी पूछेगी कितने किलोमीटर गए थे, तुम बोलोगे 2 किलोमीटर, तो मम्मी बोले कितने टाइम में आया, तुम बोलोगे 10 मिनट, तो सीधा आपका 2 किलोमीटर जो हो जाएगा वो आपका डिस्टेंस हो गया, और जितने टाइम में है वो आपका टाइम हो गया, और स्पीड अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और यूनिट ऑफ स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आर होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दो होती है, अगर किलोमीटर पर आर और उसको और शॉर्ट यूनिट में लिखना है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हम लोग कार वार के निकालते हैं तो किलोमीटर पर आर के निकालते हैं, जब अपने स्पीड वगैरह के लिए नॉर्मल निकालते हैं तो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से निकालते हैं, तो ये आपकी स्पीड हो गई। ए मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का ना सिर्फ एक टाइप ऑफ मोशन नहीं होता। तो आपका ये चैप्टर हो गया मोशन कवर। इसके बाद हम आपका कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मैंने आपको सारे मोशन बताए ना, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, पीरियडिक मोशन, सब देखो मैं जब पढ़ाऊंगा ना, बस ध्यान से सुनोगे ना, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो मूवमेंट ऑफ अर्थ तो आप बताओ कौन सा मोशन है, ये आपका पीरियडिक मोशन है। पीरियडिक मोशन क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम हर 24 आवर के बाद सुबह होती है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि नहीं यार कल 26 घंटे बाद सुबह हुई थी वापस, एक फिक्स टाइम है ना, 24 आवर फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम कौन सा किस में होता है, पीरियडिक मोशन में। मूवमेंट ऑफ सीलिंग फैन, ये आपका क्या ना गोल गोल पंखा घूम रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन है वो। और ये मीटियोर जो है, जो आसमान से पत्थर गिरते हैं, वो एक फिक्स स्पीड से थोड़ी गिरते हैं, कहीं स्पीड उनकी ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका एक रैंडम मोशन में आ जाएगा, या तो लीनियर फॉर्म में बोल सकते हो आप इसको। तो आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप बोलना, मैं आपको इसके भी वीडियोस बना के दूंगा, आप कमेंट करना, ठीक है। तो अभी आपको स्पीड का फॉर्मूला मालूम पड़ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको कभी किसी चीज़ की डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो आप उसका टाइम भी निकाल सकते हो। आप पूछोगे कैसे, तो आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करना आना चाहिए, लाइक
अभी हमने किया था ना, ये स्पीड हो गया था, ये डिस्टेंस हो गया था, ये टाइम। अब आपको क्या पता है? डिस्टेंस पता है, क्या पता है? डिस्टेंस पता और बोलो बोलो और स्पीड पता है। तो आप सीधा क्या करोगे, जो चीज़ पता नहीं है ना उसको पहले लिख लोगे। टाइम नहीं पता है ना, सिर्फ टाइम को पहले लिख लोगे, ठीक है। अब देखोगे क्या क्या बच गया, फिर टाइम को पहले लिख के अब वापस क्या करोगे, जो चीज़ टाइम को यहाँ पर लिखा, टाइम ये हो गए, ठीक है। अब ये डी है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको एस पता नहीं है, तो इसको आप यहाँ लाओगे, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ डी, और ये आपका आ जाएगा एस नीचे, ठीक है। आप हर चीज़, मतलब आपको कोई भी दो चीज़ पता है तो आप तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यानी टी इक्वल्स टू डी अपॉन एस, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। बस उसकी जगह पे जो पता नहीं वो वहाँ पे लाके आप उसको छोड़ दोगे। लाइक अगर जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है और वो चीज़ डिवीज़न में आ जाएगी, जो चीज़ यहाँ डिवीज़न में, वो मैं आपको एक सिंपल उसमें तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे। लाइक आपको क्या क्या पता है, सपोज स्पीड पता है, ठीक है, टाइम पता है, क्या पता है, स्पीड और पता है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो पहले तो पूरा नॉर्मल फार्मूला लिख लोगे, ठीक है। अब आपको पता क्या क्या है, स्पीड पता है, ठीक है, मैं आपको सर्कल में ले लेता हूँ इसको, स्पीड पता है और टाइम पता है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आप उसको डी को वहीं रहने दोगे, जो चीज़ भी आपस में है ना एक साथ नहीं है उसको आप जाके उसको, जब ये टी यहाँ पे जाता है ना तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, जब भी इसके बाजू में कोई चीज़ जाएगी ना तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और जब कोई चीज़ इसके ऊपर नीचे आती है तो डिवाइड में। तो आपको सीधा डी अपनी जगह पे छोड़ना है, और क्या है, ये एस के बाजू में ही टी आ गया। तो अब आपको जो भी स्पीड है और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। लाइक जैसे कि डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, और उसका जो एस, और ये हमको पता है कि टाइम पता है 10 सेकंड है, और 10 सेकंड, और डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, डी हमको निकालना है, तो 40 × 10 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 मीटर। सेम फार्मूला बन गया ना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एस इंटू टी, वही तो किया है स्पीड का, जो स्पीड थी, और इंटू टी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अच्छे से फिर से मुझसे पूछो, मैं आपको और क्लियर तरीके से बताऊंगा।